आ जा भी हूँ इधर इधर आओ इधर से नहीं इधर से आओ पीहू आ गए पीहू जा भी रही है आवाज सुनाई पड़ रहा है आवाज भी हो रहा है हे गाइस और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं पेरवा घाघ और अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे। निकले तो हम लोग बहुत जल्दी थे लेकिन हाँ लेट से पहुँचे यहाँ पे। सारा अरेंजमेंट करते लेट हो जाता है और अब चलते हैं फटाफट हम लोग अपना कैंप लगाने के लिए। पेरवा घाघ फॉल आने के लिए ना आपको पहले तोरपा आना पड़ेगा, मतलब अगर आप रांची से आ रहे हैं तो खूंटी होते हुए तोरपा पहुँचना पड़ेगा। तोरपा से फिर ये लगभग 15 से 16 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा, 15 किलोमीटर के अराउंड होना चाहिए वहाँ से। तो पास से इधर आप जब नीचे आएंगे तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब में मिलेगा, लेकिन हाँ बसें आती है कार भी आते हैं, थोड़ा स्लोली पक्का रास्ता है बट आप आ सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमारा झारखंड जो है ना वो वाटरफॉल से भरा हुआ है, जिधर जाएंगे आप उधर वाटरफॉल मिलेगा, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा वाटरफॉल लगता है उनमें से एक आपका ये पेरवा घाघ है। ये है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रांची से लेकिन बेहद खूबसूरत जगह है और पानी इतना साफ़ होता है यहाँ पे ना कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आने के लिए। मैं यहाँ लगभग ये मेरा तीसरा या चौथा टाइम है जब मैं यहाँ आ रहा हूँ। ज़्यादा नहीं होगा हल्दी, नहीं इसमें नहीं होता ज़्यादा नमक, देखिए कहीं बालू ना पड़े। तेल डालने से मिक्स हो जाता, अच्छा चिपकता थोड़ा मसाला। ये है अपना कैंप, बिल्कुल बालू में हम लोग इसको लगा करके रखे हैं। ऐसा लगता है ना यहाँ पे कि जैसे बीच पे लगाए हों। और नदी देखिए कितना साफ़ है, बिल्कुल अंदर का जो पत्थर है ना वो भी क्लीन नज़र आ रहा है।
गहरा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लगभग 4 फीट लगभग 5 फीट के करीब गहरा है इसमें। और नज़ारा यहाँ का देखिए कितना सुंदर है। आज बन रहा है 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट, लेट हो गए हम लोग काफ़ी। थोड़ा ऊपर रखिए, हाँ बस छोड़ दिया, ठीक है। प्लेट प्लेट और प्लेट लाइए, एक एक प्लेट में नहीं, एक ही प्लेट में रखिए। मैं वो भूख लग रहा है बाबू को, हाँ धुआं लग रहा है। इधर लो मम्मी, क्या खाएगी, क्या खाएगी बेटू? ट्राई करते हैं हम लोग कुछ मछली पकड़ने का, जाल लगा करके छोड़ते हैं। मछली ऐसे है नदी में, हम लोग देख रहे थे तो मछली दिख तो रहा था, बस अपने जाल में आ जाए। यहाँ पे बीच में पत्थर है संदीप,
बहुत ठंडा पानी था, नहा लिया। ये देखो देखो, छी 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 छी। तो बेटू सिर में अपने आप में बालू पन छिटता है बेटा। कैसे वन टू होता है वो देखो, फिर मुंह में। पानी बहुत ही ठंडा था यहाँ का, जस्ट लाइक लगभग कि फ्रिज से पानी निकला हो उस टाइप का ठंडा था, काफ़ी ठंड लगा था। तो हम लोग सोचे थोड़ा सा चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे तो थोड़ा ताज़ी आएगा। उसके बाद अभी लंच बनाना था, बट अभी खाने का इच्छा नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि खाए थे तो अभी तक लग नहीं रहा। तो सोच रहे हैं कि हम लोग सीधे अब शाम में ही बनाएंगे। ऊपर नहीं जाएगी, गिरेगी तुम पत्थर में। आ जाओ बेटा इधर, आ जाओ आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आ जाओ पापा पर। पानी में नहीं बेटा, नहीं पानी में नहीं जाना है, चुप का चुप। पकड़ो पकड़ बेटो, लाओ ना बेटू, इधर दो ना, नहीं सुनेगी। क्या खा रही बेटू? ठीक है, धुआं हो रहा है ना, मौसम यहाँ का बड़ी अच्छा है। अब शाम होने वाला है तो हम लोग चिकन बना लेते हैं। चावल अपना बन गया था तो
तो अब आराम से चिकन बनाते हैं, धीरे धीरे शाम होते होते हमारा चिकन भी बन जाएगा। हाँ, इसका बाद भी गंदा नहीं होगा। भर जाएगा ना? डालो डालो डालो, सब बनने को है। थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम होगा। सीन तो इधर का बहुत अच्छा है। अब सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ी देर में पहाड़ से जब छुप जाएगा तब अंधेरा ठंडा लगेगा यहाँ पे। सूर्यास्त हो गया, पहाड़ से छुप गया है सूर्य। अभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होगा तो ठंड बढ़ेगा। हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पर हैं, बहुत खूबसूरत जगह है ये, पिकनिक के लिए तो परफेक्ट प्लेस है। ऊपर साइड भी पिकनिक हो रहा है, हम लोग उनसे काफ़ी दूर आए हैं। इस साइड में पेरवा घाट का जो फॉल है ना, वो आगे है, यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर नहीं होगा, 2 किलोमीटर के आसपास होगा, लेकिन हाँ वहाँ पे हो रहा है। वहाँ से साउंड अभी भी सुनाई दे रहा है, हम लोगों को तो सुनाई दे रहा है, शायद कैमरे में आपको सुनाई दे रहा हो। जब लगेगा कि हाँ यहाँ से अब जाना चाहिए तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल अभी अपना चिकन बन रहा है, हम लोग चिकन बनाने के लिए छोड़ कर इधर आए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। पका हुआ जब रहता है ना, ये पका हुआ रहेगा तभी आपको टेस्ट लगेगा, अगर कच्चा खाएंगे ना तो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए, हाँ छोटा हो गया, ये पका हुआ है लेकिन ये सूख गया है। एक और था, कैसा लगा? ठीक ही है। ये देखिए, आप भी खाई है? नहीं बताया मतलब ना, अच्छा है ये वाला, लेकिन अरे छोटा सा ढाड़ी होता है यहाँ जंगल में मिलता है। हम्म,
आज हमारा बैड लक, हमें एक भी मछली नहीं मिला। और अभी टाइम है कि जाल हम निकाल लेते हैं, अगर रात में इसी नदी में अंदर जाने में ना बहुत ठंड होगा, अभी भी काफ़ी ठंड है। तो गाइज अपना चिकन और चावल बन गया है, और चिकन देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। आज चिकन मैंने बनाया नहीं है, आज तो वाइफ ने बनाया है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है आज का चिकन। हम लोग को यहाँ से निकलना भी है, अब नाइट होने वाला है। अपना डिनर हो रहा है, सब कोई डिनर कर रहे हैं, मेरा डिनर बाकी है। डिनर करते हैं उसके बाद फटाफट अपना सेटअप को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। वैसे कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो गाइस फाइनली अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि कार रात काफ़ी हो गया, हम लोग बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। अभी लगभग 8 बज रहा है और फेरवा घाट में अभी तक हम लोग हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय कर दो बेटा, बाय कर दो। अभी मूड, अभी सोकर उठी है पीयू, इसलिए अभी बात नहीं कर रही है। चलो बैठो, चलो बैठो। पीछे पीछे अकेले तो अकेले फिर हमको वापस आना पड़ा था देखने के लिए इनको कहाँ गए। अभी तक